पास में आइए यहाँ और ऐसे बैठो तभी तो पढ़ पाओगे। हम तरह करो यहाँ और पास में आओ माइक उठाओ नीचे से बोलिए क्या पूछना चाहते हो। आपका पर्चा तैयार है। 8 महीने से झगड़ा हुआ है बीवी के साथ। बीवी के साथ? बीवी वाले टीवी या बीवी? बीवी घर वाले के साथ। ये तो हो गया। आजकल टेंशन होता है एक घर की बीवी होती है एक बाहर की बीवी होती है। बाहर की नहीं घर की है। घर की है मतलब दो दो है क्या? नहीं एक ही है। तुमने सपोर्ट क्यों किया? नहीं आप बोल आदमी फंसता तो बात में ही है ना। चलिए पूछो क्या पूछना चाहते हो। क्या नाम पत्नी का? भाग्यश्री। भाग्यश्री हमारे घर में भी एक भाग्यश्री आई है। चलो बोलो क्या बात है। कुछ नहीं झगड़ा करते टेंशन में। चलिए हमें लिखा पढ़िए भाग्य स्त्री गलत है तलाक का योग बन रहा है 99.101%। 8 वर्ष का एक बालक भी उसकी गोद में है। 8 माह से आपकी पत्नी मायके में बैठी है। हाँ सर बोलो। हाँ है ना। हाँ सर। घर में व्याधि का कारण है। लाभ होगा आशीर्वाद है। आपकी पत्नी गलत दिशा में है और आपके पिता का नाम बैजनाथ है। बोलो हाँ या ना। इसके लिए पहले तो पत्नी से तलाक का योग है क्योंकि आपकी पत्नी गलत है। उनके मायके के पक्ष के लोग उसको गलत दिशा में भेज रहे हैं। यदि तुमको उस घर में दामाद की जगह पर के घर जमाई बन के रहना हो और वहां कप प्लेटें मांजना हो थरियां मांजना हो तो जाओ पत्नी का प्यार पाओ। नहीं नहीं करना मुझे। सीधी सीधी बात। अब बताओ ये प्यार पक्का है या कच्चा? कच्चा है। पत्नी के नाने तो करना चाहिए सब। इसलिए कोई बात नहीं वो पत्नी बनने योग्य नहीं है। जिसको पत्नी धर्म पत्नी कहा जाता है जिसको देवी कहा जाता है ऐसे देवी नहीं करती हैं। ये भी करती है चंडालनी होती है। ठीक है ना। तो हनुमान जी पंडुकर सरकार कृपा करेंगे। आपकी पत्नी का फेस डाउन यदि बुलाना चाहो तो एक छोटा सा खर्च 10,000 1,151 रुपए लगेंगे। 1,151 रुपए लगेंगे। इसके सुबह जलेबी दूध जलेबी कन्या जलाओ महावल लगवाओ तिलक करो दक्षिणा दो। मात उपाय है 41 दिन में पत्नी एक बार घर आ जाएगी। उस पर रहे अथवा ना रहे नहीं बुलाने का नहीं नहीं रखना तथास्तु। जाओ ऐसा ही होगा। दूसरी दूसरा कुछ योग कभी आएगा? दूसरा योग कभी आएगा? इसका कहना है कि यदि अब दूसरा योग कब आएगा शादी का? देखिए भाई आनंद आने वाले कि नहीं भैया आनंद आ रहा है ताली बजा दीजिए। ऐसे 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 ताली बजाइए। क्या बात है वाह ये पंडोगन सगा के दरबार है भाई। मेरा बेटा बहुत होशियार है। तुम्हारा बेटा की बहू बना लेंगे क्या? तब जरूर की बहू पे शादी करो। शांतनु बन रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। ठीक है लेकिन पहले तो हिसाब किताब पूरा कर लो। जेल जाओगे नहीं अगले वाला जाएगा। नहीं आपके साथ है आप हम आपको ऊपर हमारे ऊपर नहीं जाएंगे। ये कह रहा हम आपके साथ हैं मतलब हमें साथ जेल ले जाओगे? नहीं नहीं क्या चाहते भाई समझ नहीं आ रहा। सबको मालूम है सब घर वाले सबको मालूम है क्या करते हो कितना त्रास दिया। चलिए हनुमान जी कृपा करेंगे। पहले तो तुम कन्या भोज कराओ। मैं एक बार मौका देता हूँ बिगड़े हुए व्यक्ति को एक बार मौका मिलना चाहिए फिर उसके बाद इसको दूर मैं करा दूंगा। और तुम्हारी दूसरी शादी तुम्हारी रिश्तेदारी में नीलम से करा दूंगा। आशीर्वाद। बोलो पंडोकर सरकार की। खड़े हो जाइए। ये पंडोकर सरकार दरबार है भाई। चलो जाओ आनंद लो खूब जलेबी खाओ।